आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्पेशल सोया चाप की रेसिपी। सो हेलो एवरीवन, मम्मी की रसोई हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अब मेरी गारंटी है, जब आप लोग हमारे तरीके से सोया चाप बनाकर ट्राई करेंगे ना, तो आप लोग रेस्टोरेंट या होटल के सोया चाप खाना ही भूल जाएंगे, इतना टेस्टी और उससे भी बढ़िया बनाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम ले लेंगे इसमें 750 ग्राम सोया चाप, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, गैस पर चढ़ा देंगे कोई सा भी आप लोग बर्तन, उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक डालकर और सोया चाप को डाल दीजिएगा और हम इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिएगा। तो 5 से 10 मिनट के बाद कुछ ऐसा हो गया है, थोड़ा सा उबल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे स्टिक को निकाल लेंगे, जो इसके अंदर में डंडा डंडा रहता है ना, उसको निकाल लीजिएगा। और बहुत लोग सोचते हैं कि ये नॉन वेज है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा वेज रेसिपी है। तो सबको कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बेसन। तो आप लोग हमारे तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, तभी परफेक्ट बनने वाला है। 4 से 5 चम्मच हमने इसमें बेसन डाल दिया है। थोड़ा सा आप लोग इसमें डाल दीजिएगा नमक को, थोड़ा सा आप लोग इसमें डाल दीजिएगा हल्दी पाउडर को, थोड़ा सा इसमें डाल दीजिएगा लाल मिर्ची पाउडर को। मसाला बहुत ही कम कम यूज़ करना, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम तेल। तो आप लोग सिंपली सरसों का ऑयल लीजिएगा और उसको थोड़ा सा गरम करके डाल दीजिएगा। तो अब हम थोड़ा आराम आराम से इसको मिला लेंगे, अच्छी तरीके से कोटिंग कर लेंगे पूरा मसाला को अपने सोया चाप में। तो अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया था, जब कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, जब ऑयल हीट हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, अपने एक एक करके सोया चाप को डाल देंगे और हम इसको करेंगे फ्राई। तो जैसे कि हमने बनाया ना सोया चाप को, मतलब पहले ही मसाला डालकर बनाया, तो यही हमारा सीक्रेट है, इसी से बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनता है। 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा आप लोग को इसको फ्राई कर लेना है पूरा, जब कुरकुरा सा हो जाए तो हम क्या करेंगे, सबको निकाल लेंगे। आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो बस निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी को फ्राई कर लेंगे और हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल, थोड़ा सा तेज पत्ता और 3 से 4 हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची को, सूखी लाल मिर्च को डाल दीजिएगा। 2 बारीक कटा हुआ प्याज को डाल देंगे, मिला लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियाँ को, इसको भी मिला लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो आप लोग सिंपली एक टमाटर को लीजिएगा, बारीक करके इसको डाल दीजिएगा। तो डाल दे। तो जब आप लोग हमारे तरीके से सोया चाप बनाकर ट्राई करेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप लोग होटल या रेस्टोरेंट या ढाबा कहीं के भी सोया चाप खाना ही भूल जाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक को, मिला लेंगे। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे मसाला, जो घर में नॉर्मली मसाला रहता है, सिंपली आप लोग को वही डालना है। तो 1 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर को, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर को, 1/2 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च जीरा पाउडर को, 1/2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर को, मिला लेंगे। और साथ में आप लोग सोया चाप मसाला को भी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हम क्या करेंगे, अपने मसाले को फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक आप लोग इसको भूनना है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर को, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि मसाले जले ना, मिला लीजिएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि ऐसे न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे। 4 से 5 मिनट तक आप लोग को मसाले को मिला लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है, पानी आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे सोया चाप को, जो हमने फ्राई करके रख लिया था। और हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी को, ताकि फ्लेवर और अच्छा आ जाए। इसको ढक देंगे और हम थोड़ा सा उबाल आ जाने दे देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं इसका लुक कितना है ना, मस्त।
मिला लेंगे। तो बस हमारा सोया चाप बनकर तैयार हो गया। आई होप कि आप लोग को रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोग को रेसिपी अच्छा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सर्व कर लेंगे। आप लोग इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।